गर्मी का मौसम है, त्योहारों का सीजन है और लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में माहौल में तपिश बढ़ना तो हर हाल में लाजमी है, लेकिन त्योहारों के इस मौसम के बीच मेल मिलाव के बहाने सियासी मकसद साधने का सिलसिला भी लगातार जारी है। प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी चुनाव प्रचार में दोनों दलों के प्रमुख नेता एक साथ एक मंच पर नहीं दिखाई दिए हैं। हाल ही में होली मिलन समारोह में कांग्रेस ने अखिलेश यादव को बुलाया था, लेकिन वह नहीं गए और न ही उनकी पार्टी का कोई अन्य नेता पहुँचा। अब कांग्रेस की इफ्तार पार्टी को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। ये घटना यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा जा रहा है कि अभी भी दोनों के दिल नहीं मिले हैं और राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच कुछ तो नाराजगी चल रही है। बता दें कि कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर दरार पड़ गई थी। अखिलेश ने इसका बदला यूपी में लेने के लिए कहा था। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को सपा ने 17 सीटें दी हैं, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में ये कहा जा रहा है कि लगता है कि अब भी अखिलेश यादव पूरी तरह से कांग्रेस से खुश नहीं है। दरअसल बीते सोमवार को कांग्रेस ने लखनऊ में होली मिलन समारोह का आयोजन किया था और अखिलेश यादव को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इसके बाद एक बार फिर कांग्रेस ने अखिलेश यादव को इफ्तार पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया, हालांकि वो इस निमंत्रण में भी शामिल नहीं हुए। सपा नेताओं में सिर्फ पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी, इसके साथ ही एमएलसी जासलीर अंसारी और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ही पहुंचे। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में हुई एक अन्य इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस की पार्टी में नहीं पहुंचे। उन्होंने इफ्तार पार्टी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। कांग्रेस के निमंत्रण पर अखिलेश यादव के ना पहुंचने को लेकर यूपी चीफ अजय राय ने कहा कि हमने होली मिलन समारोह के बाद अब इफ्तार का आयोजन किया था, सपा के सभी नेताओं को बुलाया था, अखिलेश यादव व्यस्तता की वजह से नहीं पहुँच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।